सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाए इस घंटी को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बोली ट्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप रणबीर कपूर के फैन हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. रॉकस्टार। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई, खासकर फिल्म का म्यूजिक बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। फिल्म हिट रही, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ रुपए कमाए। 2. राजनीति। प्रकाश झा की इस फिल्म में काफी बड़ी स्टार कास्ट थी। रणबीर कपूर के अलावा फिल्म में अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, नाना पाटेकर, मनोज वाजपेयी और कटरीना कैफ भी थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए कमाए। 3. बर्फी। अनुराग बासु द्वारा बनाई गई इस फिल्म में रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डी क्रूज मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में रणबीर और प्रियंका के अभिनय को काफी सराहा गया, जिसकी वजह से फिल्म सुपरहिट रही और बॉक्स ऑफिस पर 112 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। 4. ए दिल है मुश्किल। करण जौहर की इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। फिल्म में शाहरुख खान ने भी स्पेशल अपीयरेंस किया था। फिल्म हिट रही, जिसने 112.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 5. ये जवानी है दीवानी। फिल्म निर्माता करण जौहर और अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर, कल्की कोलिन आदि सितारों ने अभिनय किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म ने 189 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था। दोस्तों, रणबीर कपूर की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आने वाली फिल्म संजू बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाएगी? क्या यह सलमान खान की रेस 3 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।